हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास जाए। दोस्तों, ये टाटा VS6 की गाड़ी है और ड्राइवर का कहना है कि जैसे हम इग्निशन को ऑन करते हैं तो जो भी सिम्बल है सब ब्लिंक करने लगता है। तो चलिए एक बार हम इग्निशन को ऑन करके देख लेते हैं कि किस टाइप का ब्लिंक कर रहा है। तो देखिए, मैंने इग्निशन को ऑन कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं कि हमारा डेफ लेवल एम्पटी शो हो रहा है और जो भी हमारा सिंबल है सब ब्लिंक कर रहा है। रीजनरेशन, चेक लाइट, स्टॉप लाइट और टेम्परेचर भी फुल दिखा रहा है। जैसे हम सिस्टम से कैलिब्रेशन करते हैं इंजन का, ठीक उसी प्रकार से ब्लिंक कर रहा है ये। जब हम कैलिब्रेशन करते हैं तो ठीक इसी प्रकार से ब्लिंक करता है जो भी सिग्नल है, और टेम्परेचर भी फुल हो जाता है और डेफ भी एम्पटी शो होने लगता है और ऐसे लाइट जो भी सिंबल है ब्लिंक करता है। और ड्राइवर का कहना है कि हेडलाइट जलाते हैं तो हेडलाइट नहीं जलता है और वाइपर अपने आप चालू हो जाता है और इसका ब्लोअर AC भी नहीं चलता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इशू है और इसे कैसे ठीक किया जाएगा। तो चलिए हम अपना मिनी कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा फॉल्ट कोड शो हो रहा है जिसके चलते प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो देखिए, हमारा मिनी कनेक्ट हो गया है और चलिए फॉल्ट कोड चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा फॉल्ट कोड एक्टिव और इनएक्टिव है। तो देख सकते हैं इसमें 3 फॉल्ट कोड शो हो रहा है जिसमें 427 फॉल्ट कोड है इनएक्टिव है और 1117 फॉल्ट कोड जो है वो एक्टिव है और 418 जो फॉल्ट कोड है वो इनएक्टिव है। तो 3 फॉल्ट कोड शो हो रहा है, जो 427 फॉल्ट कोड है वो 35 बार काउंट हुआ है, बाकी जो 1117 है वो 2 बार काउंट हुआ है और जो 418 है वो 3 बार काउंट हुआ है। तो चलिए 427 फॉल्ट कोड पे क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या शो हो रहा है। तो 427 जो है टाटा लिंक का, देखिए उसका डायग्राम है और इसी के माध्यम से ECM का डाटा शो होता है। तो चलिए एक बार हम सभी फॉल्ट कोड को क्लियर कर लेते हैं और क्लियर करके देखते हैं कि कौन कौन सा फॉल्ट कोड क्लियर हो रहा है, कौन कौन सा क्लियर नहीं हो रहा है और उसी के हिसाब से जो प्रॉब्लम उसे ठीक करते हैं। तो चलिए फॉल्ट को क्लियर कर लेते हैं और क्लियर करके देखते हैं कि कौन सा हमारा फॉल्ट कोड क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये 30 सेकंड का टाइम मांगता है, लेकिन हम वीडियो को थोड़ा फास्ट किए हैं तो 30 सेकंड नहीं लगेगा और की ऑन कंप्लीटर पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 2 फॉल्ट कोड क्लियर हो गया, लेकिन 1117 फॉल्ट कोड क्लियर नहीं हुआ है और ये बोल रहा है कि पावर सप्लाई लॉस्ट विथ इग्निशन ऑन। जब हम इग्निशन को ऑन कर रहे हैं तो जो हमारा सप्लाई है वो लॉस्ट हो रहा है। तो चलिए दिखाते हैं कि कहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है और उसे ठीक करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा फ्यूज बॉक्स है बैटरी के पास लगा होता है BS6 गाड़ियों में, और इसमें 3 फ्यूज है, जो एक 60 एम्पियर का फ्यूज है और 2 40 एम्पियर का फ्यूज है। तो जो 2 40 एम्पियर का फ्यूज है दोस्तों, उसका वायर थोड़ा थोड़ा कनेक्ट था और जैसे ही मैंने उस पर हाथ लगाया तो दोनों वायर टूट के हाथ में आ गए। तो आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से इसमें जंग पड़ा हुआ है और इसी की वजह से प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रहा होगा जिसके चलते प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा, जिसके चलते सारे सिग्नल ब्लिंक कर रहे थे और टेम्परेचर मीटर भी फुल दिखा रहा था। तो देखिए, दोनों वायरों का अलग से कनेक्शन कर दिया हूँ और फिर चलिए एक बार अपना मिनी कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा फॉल्ट कोड एक्टिव था, फॉल्ट क्लियर करने के बाद भी इनएक्टिव नहीं हुआ था, वो इनएक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं, यही दोनों पॉइंट है जहाँ पे हमारा वायर लगा हुआ था और ये पूरा जंग खाने को जैसे डैमेज हो गया था और जैसे ही मैं इस पर हाथ लगाया तो ये टूट के हाथ में आ गया है। तो हो सकता है दोस्तों कि इसी की वजह से सप्लाई नहीं पहुँच रहा होगा बराबर और जिसके चलते प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो चलिए हम अपना मिनी कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि जो 1117 फॉल्ट कोड एक्टिव था वो इनएक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए, हमारा मिनी कनेक्ट हो गया है और चलिए हम फॉल्ट कोड चेक करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या स्टेटस है। तो देखिए, हमारे फॉल्ट कोड शो हो गए हैं और चलिए 1117 फॉल्ट कोड चेक कर लेते हैं कि इनएक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं 1117 फॉल्ट कोड इनएक्टिव हो गया है। तो चलिए एक बार फॉल्ट कोड क्लियर कर लेते हैं। तो इतने फॉल्ट कोड इसलिए शो हो रहे हैं दोस्तों इनएक्टिव, क्योंकि मैं ECM का कनेक्टर निकाल के सप्लाई चेक कर रहा था, इसलिए सारे फॉल्ट कोड इनएक्टिव शो हो रहे हैं। तो देखिए, मेरा फॉल्ट कोड क्लियर हो रहा है और क्लियर होने के बाद से देखते हैं कि जो भी हमारे क्लस्टर मीटर में इशू था, जो सिग्नल ब्लिंक कर रहे थे वो ब्लिंक करना बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए, हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया, आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में 0 फॉल्ट कोड शो हो रहा है।
और पहले फॉल्ट क्लियर करने के बाद भी फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ था। तो देखिए मैं यहाँ टेपिंग वगैरह कर दिए हूँ वायरों में। तो चलिए हम क्लस्टर मीटर के पास चलते हैं और चेक करते हैं कि पहले जो लाइटें ब्लिंक कर रही थी और जो मीटर फुल शो हो रहे थे वो प्रेजेंट टाइम में ब्लिंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखिए मैंने इग्निशन को ऑन कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं कि डेप भी हमारा शो होने लगा है और कोई लाइट हमारा ब्लिंक नहीं कर रहा है। जो पहले टेम्परेचर फुल शो हो रहा था अभी फुल शो नहीं हो रहा है और हमारी जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं यानी कोई इशू नहीं है। तो चलिए एक बार इंजन को स्टार्ट करके भी देख लेते हैं कि इंजन स्टार्ट करने के बाद भी ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इंजन स्टार्ट करने के बाद से ब्लिंक करे। तो मैं एक बार इंजन को स्टार्ट करके और देख लेता हूँ कि स्टार्ट करने के बाद से ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए मैं इंजन को स्टार्ट कर दिया हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि स्टार्ट करने के बाद भी ब्लिंक नहीं कर रहा है, यानी हमारी जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं फिर आप लोग के लिए अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ और जिससे आप लोग का हेल्प हो सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।